नमस्ते सर। नमस्कार, मेरा नाम मधुचंदा चक्रवर्ती है। मैं नॉर्थ ईस्ट के सिलचर आसाम से हूँ। हाँ जी। और मेरा एक सवाल है, काफी कई सालों से है, मैं ये जानना चाहती हूँ, पिछले 10 साल जब आप सरकार में थे और इसके अलावा आसाम में तरुण गोगोई की सरकार जो आपके सबसे करीबी और आपके सपोर्टिव सरकार है, तो वहाँ सिलचर, बदरपुर, हाइलाकांदी, करीमगंज में इन इलाकों में मतलब मैं रहती हूँ, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे और भी कई सारे लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ सड़कें अच्छी नहीं है, पानी, बिजली, शिक्षा, हर प्रकार की समस्या है, लेकिन अभी तक वहाँ इन सारी समस्याओं को इतनी उपेक्षा झेलनी पड़ रही है। कब तक ये होता रहेगा सर? कब तक नॉर्थ ईस्ट में जो इनर लाइन परमिट की समस्या जो अभी शुरू हुई है, काफी सालों से चल रही है, तो कब तक ये सारी समस्या आपकी तरफ से, मीडिया की तरफ से, हमेशा मैं देखती हूँ कोई न्यूज ही नहीं आती है इस पर, नॉर्थ ईस्ट पे। हाँ, नॉर्थ ईस्ट पे, और बहुत ज्यादा उपेक्षित महसूस करती हूँ मैं, क्योंकि मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में मैंने अपना जीवन बिताया है, पढ़ाई की है, वहाँ पर मैं पली बड़ी हूँ। आप वहीं की हैं या आप? मैं वहीं की हूँ। असम की हैं आप? जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि कब तक ये उपेक्षा हमें सहनी पड़ेगी। हिंदी में जवाब चाहती हैं आप और इंग्लिश? हिंदी। इंग्लिश। सो हिंदी। हिंदी सर। तो व्हाट यू प्रेफर, इंग्लिश और हिंदी? हिंदी हिंदी हिंदी। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट काफी कॉम्प्लेक्स रीजन है, आपको भी ये मालूम होगा। असम, मणिपुर, मिजोरम, ये सब स्टेट्स बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट्स हैं। हमारी कोशिश थी जब हमारी सरकार थी दिल्ली में कि हम इन स्टेट्स को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करें, और वहां स्पेशल स्टेटस की बात थी। अब बीजेपी ने वो स्पेशल स्टेटस हटा दिया, आप इसको जानते हैं, और जिस प्रकार से वो सपोर्ट वहां मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट और दूसरे तरीके की सपोर्ट, वो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट आजकल नहीं दे रही है। जरूर सड़कों पे डेवलपमेंट में कमी आती है, वो आप जानती हैं। कोशिश रहती है, पूरी अटेम्प्ट होता है कि सड़क बनाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाए, मगर वहां पे लोकल लेवल पे काफी करप्शन होता है, लोकल लेवल पे काफी इश्यूज बनती हैं।